Not in Jurassic Park. Salar Part 1, Siege Fire. Simple English. No confusion. एक आने वाला अपकमिंग भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो प्रशांत नील द्वारा लिखित है और निर्देशित भी है और विजय किरण गादुर द्वारा निर्मित है। इसमें प्रभास मेन लीड किरदार में है। उनके साथ सह कलाकार हैं पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हासन, जगपति बाबू, टीनू आनंद, ईश्वरी राव, श्रेया रेड्डी और रामचंद्र राजू हैं। अपनी भूमिका के बारे में प्रभास ने कहा, मेरा किरदार बेहद हिंसक है, इसलिए कुछ ऐसा है जो मैंने पहले कभी नहीं किया है। फिल्म की घोषणा दिसंबर 2020 में की गई थी, जिसकी मेन फोटोग्राफी जनवरी 2021 में गोदावरी खानी तेलंगाना के पास शुरू हुई थी। संगीत रवि बसरूर द्वारा रचित है, जबकि छायांकन भुवन गौड़ा द्वारा किया गया है। इसे 28 सितंबर 2023 को रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन इसे नवंबर 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। ये कहा जा रहा है कि शाहरुख खान की फिल्म जवान सिनेमा हॉल में जब अच्छी कमाई कर रहा है तो शायद इस फिल्म का अभी रिलीज करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जवान तमिल में भी डब की गई है, तमिल में भी रिलीज की गई है। सबसे पहले अगस्त 2021 में यह घोषणा की गई थी कि फिल्म 14 अप्रैल 2022 को रिलीज होने वाली थी। फिल्म को बाद में नील और होम्बले की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 के कारण स्थगित कर दिया गया था, जो उस तारीख को रिलीज होने वाली थी। मार्च 2022 में एक इंटरव्यू में निर्माता विजय किरण गादुर ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन में देरी के कारण फिल्म को 2023 की दूसरी तिमाही अप्रैल जून तक स्थगित कर दिया गया था। 28 अगस्त 2022 में रिलीज की तारीख 28 सितंबर 2023 घोषित की गई थी, लेकिन अब शायद 23 नवंबर 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। प्रभास की इस फिल्म को लोगों का बेसब्री से इंतजार है। मीडिया मैगजीन के अकॉर्डिंग अनुमानित बजट 250 करोड़ लागत का अनुमान इस फिल्म में है। सलार के टीजर को नेटिजंस से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली है। 1 मिनट 45 सेकंड के वीडियो में प्रभास को एक वायलेंस करेक्टर के रूप में पेश किया गया है, लेकिन उनका चेहरा नहीं दिखाया गया है। जहां कुछ प्रशंसक टीजर को ब्लॉकबस्टर मान रहे हैं, वहीं अन्य ने निराशा व्यक्त की है और इसकी तुलना फिल्म केजीएफ 3 से की है। प्रभास की उपस्थिति को काफी हद तक अज्ञात रखा गया है। इस वीडियो में इतना ही, फिर कुछ नए पुराने फिल्मों की समीक्षा को लेकर आऊंगा। नमस्कार। टाइगर एलिफेंट वेरी डेंजरस।